नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, नर्सिंग भर्ती 2018 को लेकर एक बड़ी अपडेट लाए हूँ आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन और पीएच कैंडिडेट का जो वेरिफिकेशन यहाँ पे जारी था, और मैं बता दूं जाति प्रमाण पत्र का जो सत्यापन होना था 23 और 24 मार्च को, वो स्थगित कर दिया है आगामी आदेश तक। क्योंकि दोस्तों, कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा किया है। क्या आदेश निकाला है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2020 तक लॉकडाउन कर दिए जाने से दिनांक 23 व 24 मार्च 2020 को अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र का राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जयपुर में प्रस्तावित सत्यापन एवं दिनांक 23/3/2020 से आगामी दिवसों में मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वाभिमान सिंह चिकित्सालय में की जा रही दिव्यांगता जांच को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन और पीएच कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन को आगामी आदेश तक यहाँ पे स्थगित कर दिया है कोरोना महामारी को देखते हुए। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं, राज्य सरकार ने 31 मार्च तक यहाँ पे लॉकडाउन रखा गया, जिसकी वजह से ऐसा आदेश यहाँ पे आज छुट्टी के दिन यहाँ पे जारी किया गया। बड़ी अपडेट आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, सबसे पहले हम rajasthanswasthya.nic.in पे विजिट करते हैं, तो यहाँ पे एक कोरोना वायरस से घबराए नहीं, सावधानी अपनाएं, साथ ही जनता कर्फ्यू का यहाँ पे साथ दें आज इसको लेकर। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आदेश नंबर 461 के माध्यम से यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र और जो पीएच कैंडिडेट्स का जो वेरिफिकेशन था, वो यहाँ पे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। क्या है पूरा आदेश, आई विस्तृत रूप से जानते हैं, चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लेटर नंबर 461 के माध्यम से 22 मार्च यानी कि आज संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग चालू है दोस्तों, क्योंकि आपातकालीन सेवाओं में आता है। यहाँ पे मुकुल शर्मा जो अतिरिक्त निदेशक है प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे निकाली है आदेश के माध्यम से, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2020 तक लॉकडाउन कर दिए जाने से 23 और 24 मार्च को अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र का राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जयपुर में प्रस्तावित सत्यापन एवं दिनांक 23 मार्च 2020 से आगामी दिवसों में मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वाभिमान सिंह चिकित्सालय यानी कि SMS हॉस्पिटल में की जा रही दिव्यांगता जांच को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कोरोना महामारी का है प्रकोप यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया गया है 31 मार्च तक। इसी के मद्देनजर रखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 23 और 24 मार्च 2020 को जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना था, और साथ ही 23 मार्च से जो पीएच कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन होना था SMS हॉस्पिटल में दिव्यांगता का, उसको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। बड़ी अपडेट दोस्तों आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। ANM और GNM भर्ती को लेकर दोस्तों, जो यहाँ पे लिस्ट निकाली गई थी जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन को लेकर और पीएच कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन को लेकर, वो यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है वो कार्यक्रम। अब 31 मार्च बाद में यहाँ पे पुनः कार्यक्रम जारी किया जाएगा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन और पीएच कैंडिडेट का वेरिफिकेशन स्थगित हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।